हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए शाह यंग आईएएस। फ्रेंड, जैसे कि बताया था हमने आपको कि हमारा जो डेली का जो चलता है एसएससी सीजर के, हम लोग डेली के 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने जो आज का जो चैप्टर लिया है वो रीजनिंग के मिसिंग नंबर था ना, मिसिंग नंबर चैप्टर, हमने वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। 10 क्वेश्चन हैं वो हमने आपके लिए लाया है। तो आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर सर्कल दिया है, सर्कल में आपको चार नंबर दिए हुए हैं। ओके, तो हमको फाइंड करना है चौथा नंबर क्या होगा। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, तो कैसे आपको समझ में आएगा। सबसे चार को अगर आपको लॉजिक लगाना है कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर हम इस दोनों का डिफरेंस करते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं, दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पर कौन सा नंबर हो सकता है। चलिए एक बार डिफरेंस करके देखते। पहले हम लोग अगर यहाँ पर 58 है, ओके 58 माइनस 46 सॉरी 46 ओके कितना डिफरेंस आया, 12 का डिफरेंस, राइट। दोनों का डिफरेंस किए, फिर यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से आएंगे क्योंकि यहाँ से आ जाएंगे। ओके, तो 46 माइनस 34 कितने का डिफरेंस हुआ, 12 का डिफरेंस हुआ। ओके, ऐसे ही सेम 34 माइनस, क्योंकि हमको हमारा पता नहीं है यहाँ पे क्या होगा, तो हम अगर 34 माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे सब माइनस ही करा, अगर आप 58 मैंने माइनस किया तभी तक हमको ये वर्ड मिला ना, और हमने 46 फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 34 फाइंड करने के लिए हमने 46 में से हमने ये तो माइनस किया तभी तो हमारा ये आया ना, या इसको माइनस करो तो ये आएगा, चाहे तो ये इसको माइनस करो तो ये आएगा, यही हुआ ना भाई। अरे हमको फाइंड करना है, अगर हमारे ये नंबर दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 आएगा, तो 12 आया तो अगर हमको ये वर्ड फाइंड कर, ये नंबर फाइंड करना थी, फाइंड कैसे होगा जब जो डिफरेंस हमारा आया 58 माइनस जो डिफरेंस 12, 58 12 का तभी 46 आया ना। सेम ऐसे हमने 46 में 12 किया यहाँ पे तो 34 है, सेम 34 में यहाँ 12 माइनस करेंगे तो हमारे ये वर्ड है क्या आएगा, 34 माइनस 12 क्या होगा हमारा, 22। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 22 है। तो हमारा ऑप्शन हमारा सी सही है। दोस्तों ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है, लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक मिसिंग नंबर मिस रहेगा, आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पे क्या नंबर परफेक्ट आएगा, और एक फार्मूला के बेस में, ऐसा नहीं कुछ भी आप कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे सब में डिफरेंस 12 आ रहा है, तो सब में डिफरेंस 12 तो ये हमारा डिफरेंस सब में 12 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा, हमारा ऑप्शन सी सही है। सो आते क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे चार नंबर दिए हुए हैं, तीन नंबर दिए हुए, चौथा हमको फाइंड करना। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ नंबर, ओके नंबर कर दिया यहाँ पे, चार दिया यहाँ पे। तो दोस्तों अगर एक हम ध्यान से कर देखते हैं, अगर हम 4 है, 4 × 4 हम यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से आगे राइट, तो 4 16 यहाँ पे, तो 4 में क्या करेंगे आपको 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ना, राइट, यही करेंगे ना। ओके, 4 × 4 16, अभी 16 × 4 64 हमारा आगे का नंबर आ रहा है, राइट। तो सेम ऐसे 64 × 4 मीन्स ये नंबर में सब में नंबर में इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई सब में नंबर में होगा, तो हमको ये नंबर फाइंड करना है। तो 64 × 4 = 256, ये हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएंगे, 256। तो ऑप्शन को हमारा ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया है 4 16 4 × 4 16 16 × 4, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो ये चल रहा है अपना 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है, 4 4 × 4 16 16 × 4 64 64 × 4, तो हमारे ऑप्शन ये सही हो गया। तो हमारे चार को जो हमारे कितना हो रहा है डिफरेंस, जो डिफरेंस और बोलो मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है चारों नंबर में हो रहा है, तो जब हमारे ये आंसर आएगा, ठीक है। सो आते क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे दिया, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ओके, और हमको यहाँ फाइंड करना है। ओके, सो दोस्तों फिर से देखते हैं, यहाँ पे सर्कल में क्या दिया, 9, यहाँ पे क्या 9 8 17 17 9 8 17, ओके 17 और कितना है, 17 + 16 33 हुआ, राइट। तो 33 प्लस क्या होगा, 33 प्लस क्या होगा कि ये वर्ड आएगा, ओके 33 प्लस क्या होगा कि ये वर्ड आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 8 × 2 16 16 × 2, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या 8 जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे 8 यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 8 जोड़े तो यहाँ पे 16, ऐसा ही हो ना, 16 के तब 33 है ना,
तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 टू जा 16, राइट, तो 16 टू जा 32, राइट ना, 8 दूनी 16, यहाँ पे प्लस करें 8, यहाँ पे प्लस करें 16, क्योंकि 9 8 यहाँ पे 17 हो रहा है, और 17 प्लस 16 यहाँ पे इतना 33 होता है, राइट, तो 8 दूनी 16 मतलब दोनों दुगना डिफरेंस हो रहा है ना, दुगना मल्टीप्लाई कर, यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 16 आ रहा है ना, तो 16 को अगर फिर आगे हम, क्योंकि हमको जो डिफरेंस रहेगा जो 2 से मल्टीप्लाई सब में करेंगे हम, तो हमारा आगे, क्योंकि हमारा जो स्टेप जो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना वो सब में होना चाहिए, तो भी हमारा आंसर आएगा। सो यहाँ पे होगा तो 16 * 2 क्या 32, तो 33 प्लस 32 इज इक्वल टू व्हाट 65, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी, तो यहाँ क्या हमारा आएगा यहाँ पे 65। ओके दोस्तों, सो बहुत ही ईजी है, आपको स्टेप पता होना चाहिए हमको कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, कहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता है, कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे हमको डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है, सब ध्यान से आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब यहाँ पे 3 स्टेप दिया रहेगा, 3 स्टेप में सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, तो चौथा नंबर अपने आप को फाइंड हो जाएगा। सो आते हैं क्वेश्चन 4 पर। ओके दोस्तों, आके क्वेश्चन 4 पर, क्वेश्चन 4 यहाँ पे दिया हुआ है 864216। दोस्तों कुछ आपको ध्यान आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पर, दोस्तों मैंने आपको पहले नंबर सिस्टम जो पहले पढ़ाया था, हमने आपको क्यूब का कुछ बताया था, क्यूब का, क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब यहाँ पे क्या है 8 है, ओके, 3 का क्यूब यहाँ पे क्या है 27 है, 4 का क्यूब यहाँ पे क्या है 64, तो हमारा ये तो चल रहा है यहाँ पे 2 क्यूब 4 क्यूब, फिर 5 का क्यूब यहाँ पे क्या है 125, 6 का क्यूब यहाँ पे क्या है 216, तुम्हारा यही तो चल रहा है ना, हमारा यही तो आ रहा ना क्यूब वाला, तो हमारा यही तो है ना 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब, और डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बेसिकली 2 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का मतलब यहाँ पे 2 जोड़ दिए, तो 4 का क्यूब फिर यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 6 का क्यूब फिर यहाँ पे हम 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 8 का क्यूब होगा ना, कॉमन सी बात 8 का क्यूब होगा ना, तो 8 का क्यूब आपको क्या होगा 8 into 8 into 8 8 8 = 64 64 * 8 करेंगे कितना होगा आपका 512 आएगा, तो ऑप्शन को कौन से, आपका ऑप्शन बी सही है, मल्टीप्लाई 64 * 8 करेंगे तो आपका 512 आएगा। ओके दोस्तों, सो बहुत ही ईजी, आपको ध्यान में भी देना है कि यहाँ पे 864 ऐसा नहीं, यहाँ पे दिया कि 8 8 * 8 64 64 * 64 यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो क्यूब नहीं यहाँ पे क्यूब रूट आ रहा है, ये तो क्यूब दिया हुआ है, इसका क्यूब रूट हमको फाइंड करना है, वो जो फाइनल डिफरेंस कितना आ रहा है वो हम फाइंड करें, तभी तो हमारा ये फाइंड होगा ना, क्योंकि इसका जो आ रहा है, जिसका जो क्यूब रूट आएगा 2 आएगा, तो 2 का क्यूब ही 8 होता है ना, तो यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ पे 2 2 2 2 यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे सब में डिफरेंस आ रहा, तो प्लस 2 हम सबको जोड़ रहे हैं, तो प्लस 2 यहाँ पे 4 हुआ, प्लस 2 यहाँ पे 6 हुआ, तो प्लस 2 यहाँ पे 8 करेंगे, 8 का क्यूब यही तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्यूब यहाँ पे क्यूब यहाँ, तो यहाँ पे क्यूब हुआ ना, तो 8 का क्यूब करके क्या आएगा हमारा 512 आएगा ना, तो हमारा ये आंसर हुआ। सो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन 5 दिया है फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ पे देखो दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना, ये 5 6 7 11 है। ओके दोस्तों, 5 है, 5 2 7 राइट, 7 + 4 11 राइट, 11 प्लस कितना करेंगे अपन कि हमारा ये होगा, क्योंकि हमारा डिफरेंस कितना 2 4 प्लस 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ प्लस 2 का डिफरेंस होगा राइट, यहाँ पे प्लस 2 करें तो हमारा ये वर्ड आ रहा है, यहाँ पे प्लस 4 करेंगे, सॉरी प्लस 2 करेंगे, सॉरी यहाँ प्लस 4 करेंगे, क्लियर, प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आया, तो यहाँ पे प्लस, अभी यहाँ पे 2 है 4 है 2 4 6 तो यहाँ पर 6 करेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस 6 करेंगे तो हमारा ये वर्ड आया क्लियर, तो यहाँ पे 5 2 7 हुआ, 7 4 11 हुआ, तो 11 6 17, तो हमारा ऑप्शन को, हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। दोस्तों डिफरेंस कितने का रहा है, 2 2 का डिफरेंस आपको मिलेगा सब में, 2 2 का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, तो 6 करेंगे तभी हमारा 17 आएगा ना, तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पे 17, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी हमारा सही हुआ। ओके दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके दोस्तों, अभी देखो यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, क्या दो यहाँ पे 8 3 21, तो कैसे यहाँ पे 21 आया और कैसे किया आपने, तो आपको कुछ पता चल रहा है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे 6 5 25 12 2 यहाँ पे फाइंड करना है, तो दोस्तों को समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वर्ड इंटू ये वर्ड
माइनस ये वर्ड, 8 इंटू 3 माइनस 3 मीन्स 8 इंटू 3 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 21, यही तो हमारा वार है ना। 8 इंटू 3 मीन्स फर्स्ट वर्ड इंटू सेकेंड वर्ड माइनस सेकेंड वर्ड, माइनस सेकेंड जो नंबर है माइनस करेंगे तभी हमारा 21 आएगा ना। 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 3 21, क्लियर। दूसरा स्टेप पे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला यूज रहा है ना, ये तीनों स्टेप में यूज होना चाहिए, अदरवाइज ये रॉन्ग आएगा। मैं बताता हूँ, अभी पहला हमारा स्टेप हुआ क्लियर, सेकेंड स्टेप पे आता है, सेकेंड रो में आते हैं। 6 इंटू 5 माइनस 5, क्या 25 होगा? यस होगा। 6 इंटू 5 कितना होगा? 30, 30 माइनस 5 क्या होगा? 25 होगा, डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, 12 इंटू 2 माइनस 2, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो फाइंड वो करना है, वो वर्ड क्या होगा? 12 इंटू 2 कितना होगा? 24, 24 माइनस 2 क्या होगा? 22 होगा। तो हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन हमारा कौन सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है। तो हमारा आंसर क्या? ऑप्शन सी है हमारा आंसर। दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर यहाँ पे ये वर्ड माइनस हो रहा है, ये जो इसका मल्टीप्लीकेशन है उसमें से माइनस होगा तो जाके ये वर्ड आ रहा है, तो सेम ये प्रोसेस सब में चलेगा ना, तभी तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा ना भाई, तो तभी हमारा आंसर आएगा ना। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है यहाँ पर, क्या दिया पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया, यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया है 3x4 का मैट्रिक्स है, राइट। अभी यहाँ पे 49 आ रहा, 64 आ रहा, दोस्तों कुछ ध्यान आ रहा है, ये स्क्वायर में नहीं दिख रहा क्या? स्क्वायर में मतलब किसका स्क्वायर है ये? ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? कुछ ध्यान आ रहा है तो कैसे ही आ रहा है? ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, क्लियर। ये किसका है? 8 का स्क्वायर है, क्लियर। तो ये किसका होगा? ये 30 का स्क्वायर है, क्लियर। मैंने आपको बताया था, आपको मैंने जब भी मैंने नंबर सिस्टम दिया था उसमें स्क्वायर इंडक्शन सर्च का हमने जो बताया था वहाँ पे आपको मेंशन किया था स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर का तो 1, 2 का स्क्वायर का होता है 4, ऐसा हमने बताया था। सो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज हो रहा, देखो यहाँ पर। सो 7 आया कहाँ से? 1 प्लस 4 प्लस 2, 1 प्लस 4 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तभी तुम्हारा 14 आ रहा है, मतलब ये तीनों वर्ड प्लस और ये इसका होल स्क्वायर तभी हमारा ये आएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट? 8, 8 स्क्वायर वॉट? 64 दिया है, क्लियर। तो यहाँ पे भी सेम होगा, अभी हमारे यहाँ पे दिया, हमने इसको x मान लिया, हमको ये फाइंड करना है, तो हमने x प्लस 2 सॉरी प्लस 5 प्लस 3, क्लियर दोस्तों। ओके, इसका होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 169 दिया है। ओके दोस्तों, तो हमको पता है ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 रूट 13 करेंगे तो आपका 169 होता है, तो हमारा 5 3 8 हो गया है, तो हमारा जो 8 है तो कितना जोड़ेंगे? हमारा 13 होगा, 5 जोड़ेंगे ना, तो हमारा x तो ये फाइंड करो ना, तो हमारे x अगर हम 5 करेंगे तो 5 5 10 3 13, 13 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 169, क्लियर। तो हमारा ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा, हमारा आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो हमारा ये ऑप्शन सी सही है। दोस्तों फिर से बताता हूँ, ये वर्ड जो ये भी तीनों कॉलम हो ना, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों मल्टी प्लस हो रहे हैं, तीनों प्लस होंगे, उसका जो प्लस आएगा उसका होल स्क्वायर करेंगे, ये आ रहा है सेम ऐसे ही प्रोसेस सब में करेंगे, तो हमको यहाँ फाइंड करें, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, हमको सिर्फ ये वर्ड फाइंड करना है, तो हमारा दो वर्ड दिया हुआ है, तीसरा वर्ड हमको फाइंड करना है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर इसको हमने ये कर दिया तो x प्लस 8 होगा, अगर ये से करते हैं x प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169, क्लियर दोस्तों। x प्लस 8 इज इक्वल टू रूट ऑफ 169, x प्लस 8 इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, ऐसे भी आपको आ जाएगा, पर इसको आपको टाइम ज़्यादा जाएगा, तो हमको सिर्फ स्टेप, हमको सिर्फ क्या करना, हमको लॉजिक लगाना है, फिर क्या होगा तो आपका ये होगा, तो 5 3 8 8 5 जोड़ देंगे हमारा 13 हो जाएगा, तुमको ये तो हमको इतना जन करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी ना हमको, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होते हैं, और ये सब क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकंड में सॉल्व करने रहेंगे, ये बहुत ही ईजी रहता है। ओके, तो हमारा ये आंसर सी सही है। आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पर, 6 9 यहाँ फाइंड करना है, क्या 3 4 3, ओके 10 7, ओके यहाँ पे दिया हुआ है, अभी कैसे करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे कैसे करेंगे? 3 3 6 6 7 होगा ही नहीं, 9 6 5 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं, कॉमन सेंस नहीं लग रहा, अगर 9 6 3 ऐसा होगा नहीं यहाँ पर, या अगर 3 करें तो 3 और सोंस है नहीं हमारा,
थ्री फोर थ्री होगा नहीं, तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपने तो रो ले लिया, अभी एक बार कॉलम में लेते हैं, कॉलम में कुछ मैच हो रहा है क्या? हम थोड़ा सा ये लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, सिक्स माइनस थ्री करें कितना होगा आपका, सिक्स माइनस थ्री कितना होगा, थ्री है, क्लियर? तो थ्री यहाँ पे दिया हुआ थर्टी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दस से मल्टीप्लीकेशन, मतलब सिक्स माइनस थ्री इंटू टेन, क्लियर दोस्तों, सिक्स माइनस थ्री इंटू टेन दिस इक्वल टू थर्टी दिया हुआ यहाँ पर, यही स्टेप चलेगा। आगे वाले अगले में देखते हैं, आगे वाले कॉलम में देखते क्या होता है, नाइन माइनस फोर इंटू सेवन, नाइन माइनस फोर क्या, फाइव, फाइव इंटू सेवन दिस इक्वल टू व्हाट, थर्टी फाइव आ गया हमारा, तो स्टेप को पता चल गया। तो हमने यहाँ पे x मान लिया, x माइनस थ्री इंटू टेन दिस इक्वल टू व्हाट, थर्टी। सो हम लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई करें थ्री होंगे, तो अगर हम यहाँ पे अगर छः लेते हैं तो छः में से तीन जाएगा कितना होगा, तीन होगा, टेन इंटू थ्री होगा यहाँ पे, तो थर्टी, टेन इंटू थ्री थर्टी, तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा हमारा, थ्री होगा, क्लियर दोस्तों? नहीं होगा, कैसे नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थ्री नहीं यहाँ पे सिक्स होगा, ये तो मैंने थ्री मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे सिक्स होगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सिक्स है। अगर हम वो दूसरे फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो बता बताता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा मेन स्टेप है, ये हमने तो लॉजिक लगाया है। तो मैं मान ली एक्स माइनस थ्री इंटू टेन इज इक्वल टू थर्टी, क्लियर दोस्तों? तो एक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा आपका, थर्टी बाई टेन इज इक्वल टू थ्री, राइट? तो एक्स इक्वल क्या होगा, यहाँ पे माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स, तो ऐसे हमारा सिक्स आया, और हमारे यहाँ पे ऐसे ही लॉजिक लगे तो सिक्स आया। तो हमारा ये सर फॉर्मूला, ये फॉर्मूले बेस पे जाएगा, ये मैथमेटिक्स और हमको लॉजिक लगाना है, तो हम लॉजिक लगाएंगे तो बेटर, अगर हमको नहीं समझ तो हम यहाँ पे यू यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लॉजिक कुछ नहीं लगता तो हम यू यूज़ कर सकते हैं, पर सबसे पहले हमको टाइम कम रहता है, हमको लॉजिक के मोस्टली ध्यान, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है हमको लॉजिक लगाना ही लगाना कैसे भी। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखो एक नंबर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं डिफरेंस, या प्लस माइनस करें तो कुछ होगा नहीं यहाँ पर, क्लियर दोस्तों? सो अगर हम कॉलम है तो, क्योंकि रो में तो कुछ हो नहीं रहा, तो हम कॉलम में अगर चेक करते हैं तो हमारा कुछ हो रहा है समथिंग, अगर पहले रो में पहले कॉलम में रहते हैं, 56 माइनस 12 दिस इक्वल टू 44, क्लियर? यही तो हो रहा है ना, 65 माइनस हमको फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 14 फाइंड करना है। आगे वाले में जाते हैं, 78 माइनस 30 इज इक्वल टू 48, क्लियर? इसमें से तमाम 48 तो दिया, तो हमको यही तो फाइंड करना है, तो हमारा वर्ड यहाँ पे क्या नंबर होगा फाइंड करना है, तो हम ऐसे भी कर दो, 65 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, एक्स उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 65 माइनस 14, एक्स इज इक्वल टू 65 माइनस 14 इज इक्वल टू व्हाट, 51। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 51, ऑप्शन डी हमारा सही है, क्लियर दोस्तों? सो हमारा यहाँ पे अगर हम ऐसे भी हमको फाइंड करना है तो डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा, क्लियर दोस्तों? या अगर हमको और भी जाना है, स्टेप जाना है, तो ये इधर से सेम ही आएगा, पर यहाँ हमने क्या पूरा फॉर्मूला बेस पे रखा है मैंने, और यहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो ये, क्योंकि यहाँ पे इस माइनस किया 12 आया है, यहाँ पे माइनस करें तो ये आया है, यहाँ पे माइनस करें तो ये आया है, तो हम यहाँ से 55 माइनस 14 करेंगे तो हमारा ये आएगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया है, 65 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, क्योंकि यहाँ पे इतना घटाएंगे तो ये आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, क्लियर दोस्तों? सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है, 7 3 4 5 6 फाइंड करना हमको, 2 3 2 8 3, क्लियर दोस्तों? दोस्तों कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या, 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 6 दिया ही नहीं, 8 माइनस 2 6 नहीं, ये तो होगा ही नहीं, सो ये तो रो में तो हो नहीं रहा है, कॉलम में देख लेते एक बार, 7 7 माइनस 5 2 33 आ रहा है, तो कुछ हो रहा ही नहीं रहा है, 3 माइनस 6 ये भी तो नहीं होगा, अभी हमको क्या हमारा प्लस माइनस तो हट गया, एक बार मल्टीप्लीकेशन के देखते हैं, 7 बचे 35, ओके दोस्तों 7 इंटू 5 35 मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे 33 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि हमारा 33 आएगा, तो माइनस करेंगे तभी तो हमारा 33 आएगा, समझ यार दोस्तों? 7 इंटू 5 माइनस 3, 7 इंटू 5 माइनस 3 दिस इक्वल टू व्हाट, सॉरी माइनस 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ, 7 बचे 35 माइनस 2 व्हाट, 33 दिया हुआ, मिल गया हमको स्टेप, हमको मेरा स्टेप पता चल गया, हमको यही फॉर्मूला है, यही हमको
यूज करना है इनटू जो भी ये फर्स्ट रो सेकंड सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड रो का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थर्ड रो। क्लियर क्लियर दोस्तों। तो यहां पे हमारा मिल गया एक स्टेप, दूसरा स्टेप फाइंड करना है क्या होगा 3 × 6 − 8। 3 × 6 क्या होगा 18, माइनस 8 व्हाट 10 मिला। अभी यहां पे हमारा फंस गया पे क्या करेंगे बताता हूं आपको ना। 4 × मैंने x मान लिया इसको, 4 × x − 3 = 33। क्लियर लॉजिक भी लगा सकते हैं भाई आप, अगर कितना करेंगे यहां पे कौन से वर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे कि और उसमें से माइनस करेंगे 33 आएगा। तो हम अगर 4 से करते हैं 8 से करते हैं 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32 माइनस 3 करेंगे तो नहीं आ रहा है। 9 से करते हैं, अगर मैं 9 यहां पे कर दिया क्लियर दोस्तों तो 9 × 4 = 36 क्लियर, माइनस 3 हमारा 33 आ गया ना, 36 − 3 = 33 आ गया ना। तो हमारे यहां पे वर्ड क्या, हमारे यहां पे क्या हुआ नंबर, हमारा क्या आएगा नाउ आएगा 9 आएगा। क्लियर यहां से बता दो मैं आपको, ये तो को फाइंड पता चल गया आपका दोस्त डेफिनेटली सही है। यहां से चेक कर सकते हैं 4 × 33 − 3 क्या होगा 33 + 3 क्योंकि यहां माइनस से आप प्लस हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 36। 4 × 36 = 36, x = 36/4 इज इक्वल व्हाट 9, x = 9 मिल गया ना। हमने तो ये फाइंड किया था ना, हमने तो ये फाइंड किया था ना। तो हमारा ऑप्शंस क्या, हमारा ऑप्शन हमारा सी सही है। ओके दोस्तों, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों अगर हमको हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर से हम बता दें वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जितने वीडियो बनाते हैं डेली के आपको इजीली मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आपको सक्सेस आप होंगे, सक्सेस भी आप सफल होंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, और हाँ अगर आप किसी को कुछ भी डाउट हुआ ये सेशन में तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे फिर से बताएंगे जो हमारा रहेगा आपको डाउट है हम क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।